देन सो ऑन करते करते 1992 तक इसके 10 यूनिट्स आए हैं, ठीक है। मंगला में टोटल 100 मेगावाट कैपेसिटी के 10 यूनिट्स हैं, सही है, आई एम ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। तो इसके जो 10 यूनिट्स हैं उसकी 10 की जो रेटिंग है वो 100 मेगावाट है, ठीक है, और उसकी ओवरलोड जो कैपेसिटी है वो 15% अबव है, जो 115% है। इधर जो जनरेटर लगे हुए हैं वो हिटाची जापान के लगे हुए थे पहले, और चेक रिपब्लिक के कंपनी है उधर उसके लगे हुए थे, और जी के 9-10 यूनिट्स जी के हैं। तो अभी जब भी एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्ट है उसकी रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन कब नेसेसरी होती है। रिफर्बिशमेंट तब उसकी नेसेसरी होती है जब उसकी लाइफ टाइम 35-40 ईयर्स कंप्लीट हो जाएं और उसके आइटम्स की रिलायबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाए, तो तब वो उस सिस्टम की रिफर्बिशमेंट जरूरी हो जाती है, ठीक है। ये एक जरूरी थी कि रिफर्बिशमेंट मंगला पावर प्लांट की होनी चाहिए। सेकंड वन कि अपग्रेड क्यों की हमने सिस्टम, पहले 100 मेगावाट था, ठीक है, तो हम अब हमने 135 मेगावाट क्यों किया है। तो पहले हम इससे पहले हाइड्रो पावर प्लांट की अपग्रेडेशन से पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है हमारा मंगला डैम रेजिंग का, जिसके अंदर हमने डैम के अंदर जो कैपेसिटी है वो हमने 2.88 मिलियन एकड़ फीट इंक्रीज कर दी है। तो वाटर कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज हो गई है, तो उसी डिमांड के लिहाज से हमने अपनी जनरेशन कैपेसिटी भी इंक्रीज की है। जो पहले यूनिट थे 100 मेगावाट्स के थे, अब इस प्रोजेक्ट के तहत उनकी जो कैपेसिटी या रेटेड आउटपुट है 135 मेगावाट तक जा रही है, ठीक है, समझ आई आपको मेरी बात? जी जी, आवाज आ रही? बढ़िया साहब, भी जरा साउंड कर दिया करें सर। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर को चली जाए प्रेजेंटेशन, या आप में से किसी को अगर चलेगी तो बहुत अच्छा, वरना इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, हेलो, जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जरूरत थी, मतलब 100 टू 135 मेगावाट जाने की क्या जरूरत आई, कि एक तो हमारे पास सिस्टम आउटडेटेड हो गया, ठीक है, और दूसरा ये था कि जो हमारे पास इसकी वाटर हेड था, हमने मंगला डैम रेजिंग में उसको इंक्रीज किया, ठीक है, उसके लिहाज से हमने कहा कि हमारी अब रिजर्वायर में वाटर स्टोरेज ज्यादा हो गई है, हम उस वाटर स्टोरेज को यूटिलाइज करें अपनी जनरेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए ये रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ मंगला हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स कर रहे हैं, हम बेसिकली एम्प्लॉयर साइड पे हैं। जो कंसल्टेंट्स हैं उसमें MWH है, अमेरिकन कंपनी है, और स्टेंटेक है, और नेस्पॉग है, और कॉन्ट्रैक्टर्स में जी है, फाइनो हाइड्रो है, KMC है, जोएक है, मुख्तलिफ चाइनीज और टर्किश कंपनीज हैं, ठीक है जी। बेसिकली जो पावर, ये आपने जो चीज़ें नोट डाउन कर लें, बाद में आपको हर किसी को शायद ये शेयर हो जाए प्रेजेंटेशन, तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर जनरेशन का फार्मूला है, पावर जनरेशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल हेड मल्टीप्लाई बाय सिस्टम एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1000 किलोवाट, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, पावर जनरेशन ऑफ पावर प्लांट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल हेड मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1000। ये चार फैक्टर भी डिपेंड कर रहा होता है, एक तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर इज द मेन कॉज फॉर द टर्बाइन रनिंग, ठीक है। जितना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा उसकी आउटपुट मेगावाट इंक्रीज होंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जितना पानी ज्यादा यूटिलाइज होगा, जितने विकेट्स गेट्स होती हैं, जो टर्बाइन का एक सोर्स होते हैं, टर्बाइन को जाके पानी विकेट्स गेट के थ्रू टकराता है, जितनी विकेट्स गेट उतना ही पानी
जी जी आपके विकेट गेट के बाद इंटरप्शन आ गई है, विकेट गेट्स की बात कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, सॉरी यार, जी मेरे ख्याल से हाँ खत्म हो गई थी। तो अगर अमीर सा कह रहा है कि आपने 30 ये विकेट गेट के बाद ना, जो विकेट बेट की बात की थी आपने, विकेट गेट जितने होते हैं उसके बाद इंटरप्शन थी, उस वहां से शुरू कीजिएगा। हाँ विकेट गेट से होते हैं, विकेट गेट बेसिकली टर्बाइन से पहले लगे होते हैं। विकेट गेट के साथ ही विकेट गेट जितने ओपन होते हैं, विकेट गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड कर रही होती है कि हमने जनरेटर की आउटपुट कितनी लेनी है। ठीक है, जितनी हमने विकेट गेट ज्यादा ओपन करते हैं उतने ही टर्बाइन को जो मतलब वाटर ज्यादा टकराता है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो उसकी आउटपुट के मेगावाट्स के लिहाज की ओपनिंग और क्लोजिंग अल्टर करती है। ठीक है, भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जितने विकेट गेट को आगे पानी ओपनिंग और क्लोजिंग से टकरा रहा है, जितनी भी आउटपुट हो रही है, ये हमने खुद कैलकुलेट नहीं करते। हमें ऐसा कहता है इरिगेशन वाले में कहते हैं कि आपने अपने मंगला पावर हाउस से मतलब 40,000 क्यूसिक पानी निकालना है, तो हम उस लिहाज से कैलकुलेशन करके अपने यूनिट्स चलाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे 10 यूनिट हैं तो 6 चल सकते हैं, तो हम उस तरह अपने यूनिट्स चला लेते हैं। ठीक हो गया जी। और मतलब अभी फार्मूला और जो तीसरी चीज है वो हेड पे डिपेंड कर रहा होता है, जितना हेड ज्यादा होगा। अभी जो हमारा हेड है वो 810 फुट पे टर्बाइन है, और जो ऊपर जहां से पानी का रिजर्वायर है वो 1240 फुट है, तो तकरीबन 300 फीट का हेड है हमारा। जितना हेड बढ़ता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ती है। और जो फोर्थ फैक्टर है वो सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम एफिशिएंसी क्या मतलब, जितने जनरेटर के अंदर लॉसेस ज्यादा होंगे, जितने ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं जिस पे पावर जनरेशन डिपेंड कर रही होती है। अभी रिजर्वायर है, रिजर्वायर की अभी अगर स्टार्ट करें, पानी जहां से आता है रिजर्वायर के साथ इनटेक गेट होता है, इनटेक गेट और ट्रैश रैक होता है। इनटेक गेट क्या होता है, अगर हमने यूनिट चलाना है ना तो सबसे पहले हम कहते हैं इनटेक गेट खोल दो। इनटेक गेट ओपन होता है तो फिर पेन स्टॉक के थ्रू पानी तरल के अंदर से होता हुआ टर्बाइन को आता है। ठीक है, और फिर टर्बाइन से टर्बाइन को रोटेट करता है, फिर टर्बाइन की आगे टाइप्स हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिर टर्बाइन रोटर को मूव करती है, जो टर्बाइन या टर्बाइन के दरमियान में एक शाफ्ट होती है जो जनरेटर को और टर्बाइन को कपल कर रही होती है। टर्बाइन को आगे पानी टकराता है, टर्बाइन मूव करती है, टर्बाइन की शाफ्ट मूव करती है, उसी शाफ्ट के ऊपर रोटर कपल हुआ होता है। तो रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू स्टेटर में करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये बेसिकली फिर स्टेटर का करंट ही आउटपुट करंट होके आगे ये आउटपुट हमारी होती है, पावर होती है। ठीक है जी, आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो अगर हमने इसको डिवाइड करना है, जी 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 बिल्कुल, अभी आवाज की बात इंटरप्ट हो रही है लेकिन मुझे समझ आ रही है कि वो स्नैप कर ले ना, उसको स्नैप करके वो शेयर कर दे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। स्नैप करके मैं शेयर कर लूं या इस तरह नहीं, स्नैप शेयर करके देख ले, लेकिन आपका शेयरिंग इंटरनेट वैसे ही मेरे ख्याल में वो है ना। हां जी सही नहीं है, देख ले ट्राई करें, क्योंकि अभी बीच में इंटरप्शन आ जाती है ना। ट्राई करें एक दफा, क्या पता स्टार्ट हो जाए, एक दफा ट्राई करके देख। हाँ जी, तो उसमें भी इंटरनेट जो है ना आपका, वो मैं कोशिश कर रहा था, ईमेल जा नहीं रही। अच्छा, अब स्लाइड नजर आ रही है?
नहीं अभी नहीं नजर आई। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। अब आ रही है सर? नहीं अभी भी नहीं है। अब तो आ जानी चाहिए। को नजर आई तो बता दीजिएगा, मुझे तो अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही, पता जी नहीं आई अभी तक। नहीं आई अभी तक। नहीं क्यों नहीं आई। कोई ऐसा बंदा है कि सर इस तरह हो सकता है कि दो बंदे स्क्रीन शेयर कर ले? नहीं। अच्छा मैं सर मेरे प्रेजेंटेशन आप काफी है ना, आप अपने मोबाइल में अगर व्हाट्सएप पे ओपन कर लें तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपके व्हाट्सएप को दिखाता जाऊँ, या कोई इस तरह की कोई तरतीब बना ले। व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर्स जो है ना, हर स्लाइड की पिक्चर लेते जाए ना सर उसके मोबाइल से, अगर उसको ठीक मैं है, आप स्क्रीन शेयर करें। ठीक है सर, शेयर करता हूँ और आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूँ साथ। ना ना आप बस मैं आपको सीधा शेयर कर सकते हैं ना, आप स्क्रीन शेयर कर। आप करें जरा मुझे अभी व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। हाँ जी व्हाट्सएप में पिक्चर्स कर रहा हूँ, मेरा हाँ इंटरनेट करते सही जाए, नहीं। करते हैं पिक्चर शेयर करते जाए हर स्लाइड की, और उसको बस एक्सप्लेन करते जाते हैं साथ साथ। मैं लीव करूँ? नहीं, लीव नहीं करेंगे, आपने एक्सप्लेन तो आप नहीं करना है ना। नहीं नहीं मैं लीव नहीं कर रहा, मतलब मैं अपनी वो स्क्रीन आप शेयर करें प्लीज। जी, मैं अभी करता हूँ शेयर। पिक्चर पिक्चर आई है? आई है, इसको मैंने सीधा करने दें, ये उल्टी आई है। अच्छा मैं अब सीधी बैठता हूँ, सॉरी। खैर खैर, अब इसको मैं सीधा करता हूँ। ये मैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट प्रेजेंटेशन। जी ये या मेरी स्क्रीन शेयर होगी होगी, पहली ठीक पिक्चर आ है रही है। चलें जी, बच्चों को नजर आ रही है हमारा? नहीं नो सर, नहीं आई अभी तक। सर जी मेरी भी, मुझे नजर आ रही थी, बाकी किसी को नहीं आ रही थी। मैंने भी शेयर की है, एक मिनट। दोनों आपने अपनी रिमूव कर देना, शेयरिंग रिमूव कर दी आपने। ऊपर हाँ मैंने शेयरिंग कोशिश तो की है, मैं क्रॉस आ रहा होगा ना, पहले एरो मैं क्रॉस आ रहा होगा, क्रॉस को क्लिक करें ताकि स्टॉप शेयरिंग हो जाए। डिसमिस कर रहा हूँ हर चीज, पता नहीं बहुत से एरर्स आए थे। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर आप मुझे शेयर कर दें स्लाइड्स, मैं ट्राई करता हूँ प्रेजेंट करने की। को कहाँ कर दे, ये अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी नहीं हो रही। किसी को भी नहीं हो रही है। जुकवान आपको शेयर हो रही है स्क्रीन हमारी? नहीं सर, नहीं शो हो रही। एक मिनट, फिर इसको मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ डेस्कटॉप। अब बताइएगा ज़रा, अब शेयर हो रही है? हो सर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई। चले हमजा को शेयर करें जरा, हमजा को ये व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं कर रहा हूँ, असल में मैंने वो डिवाइड किए थे कंपोनेंट्स। चले जकवान को कर देते हैं। जकवान कह रहे हैं मैं ऑर्गेनाइजर को आपकी सारी पिक्चर्स फॉरवर्ड कर। जकवान आप ज़रा ओपन करें और शेयर करें। ये आपको शेयर किए हैं जकवान, आप ज़रा इसको शेयर करके देखिएगा। जी सर, मैं करता हूँ आप सर। देखिए
सर आपके पास ये स्लाइड्स पावर पॉइंट की फॉर्म में है? पावर बड़ा टाइम लगेगा, बस इसी तरह करेंगे सर, पावर तो पहले टाइम लगेगा, नेट उधर वीक है ना सर। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। वो ना मुझे जाके वो खत्म करें, शायद मेरे पास वो है। शायद सर की नहीं हो रही। कौन कर रहे हैं ना, शेयर कर दें, पहली इमेज शेयर कर दें, उसके बाद पहले शेयर कर दें फिर कुछ। हमजा आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिससे पहले शेयर हो जाए, आप ट्राई करके देखें। सर प्रेजेंटर बना रहे हैं, मैं इधर से तस्वीरों को रोटेट करके सही कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो मैं कर देता हूँ। आपका सही है, ठीक है। अब आइए, ये उल्टी आई है ज़ुकान, इसको सीधा करें, रोटेट करें लेफ्ट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जरा करें, एक रोटेट। हबीब साहब जी जी सर, ये सेशन 15-20 मिनट बाद दोबारा ना स्टार्ट कर लें, मैं अपना अपना ये लीव करता हूँ, कोशिश करता हूँ साइड पे। जी भाई नेट प्रॉब्लम है, 15-20 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट कर लें। नहीं बात मैं आपको यही इशू होगा ना। नहीं सर बहुत स्लाइड्स पहुंच जाए, शायद इंटरनेट की वजह से स्लाइड नहीं पहुंच रही। चले ऐसे कर लें, आप लीव कर लें। हाँ फिर आप लीव कर लें इसको, फिर सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ठीक ठीक
अस्सलाम वालेकुम सर, सर अब चेक करें फोटो आई है सही? हाँ जी अब ठीक है। ओके सर, अब जरा नेक्स्ट स्लाइड करें, जरा सारी ट्राई करें ताकि सारी आ रही है तो फिर उनको इन करते हैं। मैं करता हूँ सर। सर वो इस तरह ना, ये फोटो को कर रहा हूँ ना शेयर, एक स्टॉप करके फिर दूसरी आएगी। नहीं तो सारी फोटो आप एक दफा इकट्ठी रख लेना था, फिर उसके बाद डेस्कटॉप ही शेयर कर दें एक फोल्डर में, उसको मेरे ख्याल में तो ज्यादा इजी हो जाएगा। सर ये नेक्स्ट आई है अब आपके पास? आ गई है बिल्कुल। ओके बार नेक्स्ट करें जरा। ठीक है सर, मैं कर दूँ। जी सर, अब आ गई है सर, इसी तरह कर लेते हैं फिर, मैं करता रहूँगा यहाँ से चेंज। चलिए मैं उनको कहता हूँ। ठीक है सर, जी वाले सलाम। अगर ईमेल आप कर रहे हैं ना, ईमेल में अटैचमेंट तो उसको कैंसिल कर दे ताकि इंटरनेट पे शायद उसका इंपैक्ट ना हो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे नहीं नजर आ रही। अब आई होगी अब। अब आ रही, हमें आ रही है अभी सबको। आपको आ रही नजर? सर शो हो रही है स्लाइड? जी जी हो रही है मुझे तो। हमजा आपको हो रही? जी सर शो हो रही है स्लाइड्स। ठीक है, जी जी अभी आपको आ रही है स्लाइड शो हो रही? नहीं स्लाइड नहीं शो हो रही जी, स्लाइड शो हो रही, स्लाइड इधर तो शो हो रही है, अब सबको हो रही है। देखिए चले, अब वो आप इस तरह करना, आप अपनी स्लाइड को ओपन कर लें। इधर पहली स्लाइड आ रही है, रिफ्रेशमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मंगला हार्डवेयर
पहली स्लाइड है तो आप उधर से अपनी ओपन कर लेना बस यही है सर इसमें... स्लाइड शो हो रही है करंटली स्टार्ट करते हैं जी जी हो रही है बस जी ये है कि बस इसमें ये स्लाइड में है कि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि रिफर्बिशमेंट क्यों लाजमी थी क्योंकि वो सिस्टम आउटडेटेड हो गया था और दूसरा इसकी अपग्रेडेशन इसलिए लाजमी थी क्योंकि हमने इसकी रिजर्वर की कैपेसिटी 40 फीट इंक्रीज की है ठीक है और स्टोरेज कैपेसिटी 2.88 मिलियन एकर फीट इंक्रीज हो गई थी जिसकी वजह से हमने मंगला रिफर्बिशमेंट हाइड्रो पावर की रिफर्बिशमेंट हमने कहा कि रिफर्बिशमेंट भी कर देते हैं और साथ अपग्रेडेशन भी कर देते हैं जो इसके अंदर पुराने 1968 से लेकर 1992 तक जितने यूनिट्स लगे थे उसकी डिटेल ये है की तरफ से था और ये बाकी चेक 5 और 6 चेक से थे 7, 8 भी टाची के थे और 9, 10 भी प्राज चेक से थे ये इस में है इसमें जो जनरेटर इंसुलेशन है जनरेटर इंसुलेशन बेसिकली बता रही है कि इसकी की टेम्परेचर कैपेसिटी कितनी होती है कि अगर एक के अंदर कोई फेलियर आ जाता है गर्मियों में टेम्परेचर का राइज अप करता है इसके अंदर पैड्स होते हैं इसके अंदर इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है तो जितनी इसकी क्लास बी होती है क्लास बी का मेरे ख्याल से 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बीरिंग कैपेसिटी है क्लास एफ की भी इस तरह अलग किस्म की क्लास एफ की मेरे ख्याल से कम होती है बीरिंग कैपेसिटी तो ये क्लास डिफाइन करती है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड है ठीक है जी और अभी सर ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट वाली स्लाइड शेयर करें बच्चों को मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट रेगुलर स्टार्ट करूं जी जी सुकून अगली करें वो उनके मेन कंपोनेंट्स जो है इसमें मेन कंपोनेंट्स ठीक है मैं बस ठीक है मैं उस पर ब्रीफ कर रहा हूँ मेन कंपोनेंट मैंने डिवाइड किया कि सिस्टम की जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाए तो सिविल और मैकेनिकल के लिहाज से एक्सक्यूज मी मेन कंपोनेंट्स हाँ बिल्कुल अब आ गई है जस जी जी अब शुरू कर तो इसके सिविल और मैकेनिकल कोई भी कंपोनेंट वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इसमें जो रेड मार्क्ड हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं कि जो रिफर्बिशमेंट के बाद न्यू लगे हैं क्योंकि सिस्टम आउटडेटेड हो जाता है ये जो न्यू सिस्टम होता है रेड के नाम बता दीजिएगा रेड के नाम जो है ना वो रेड की कलर की वजह से वो डार्क नजर नहीं आ रहे जो रेड है वो ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम है और दूसरा जनरल सर्किट ब्रेकर सिस्टम है जनरल सर्किट ब्रेकर वो होता है कि बेसिकली स्विच यार्ड को और जनरेटर साइड को जनरेटर टर्बाइन साइड को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है मतलब जीसी भी ऐसी चीज है कि अगर आपने यूनिट चलाना है तो जीसी भी को सबसे पहले आपने क्लोज करेंगे फिर आप यूनिट चलाएंगे ठीक है क्योंकि आपकी स्विच यार्ड की सप्लाई और पावर हाउस की जो सप्लाई है इससे कपल हो रही होती है और अगर आपने यूनिट को बंद करना है तो सबसे आखिर में जीसी भी ओपन होगा ठीक है जी और थर्ड जो है रेड में है वो है मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम है और फोर्थ है जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम है जीटी मतलब जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम है फिफ्थ वन है जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसको हम प्लांट कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं ठीक है जी आवाज आ रही है जी जी आ रही है हां जी जी सर अच्छा जी अब मैं सबको ब्रीफ करता हूं मैं नीचे सबकी स्लाइड्स बनाई हुई थी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड में आपको दादा रह के ब्रीफ कर दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो सिविल और मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के लिहाज से जो रिजर्वायर है रिजर्वायर पता ही है रिजर्वायर जहां वाटर स्टोरेज होती है ठीक है और इसी वाटर स्टोरेज के बिल्कुल साथ इनटेक स्ट्रक्चर होता है इनटेक स्ट्रक्चर में इसका इनटेक गेट शामिल होता है और रेस्ट टैंक शामिल होती है इनटेक गेट सब जब इसको यूनिट को छुआना होता है जब हम कहते हैं कि यूनिट के भाई अभी इसका जीसी भी हमने इसको कर दिया है क्लोज कर दिया है अब यूनिट को बस चलाना है स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इनटेक गेट को ओपन करते हैं लेकिन वर्किंग ऑफ इनटेक गेट एंड वर्किंग ऑफ रेस्ट ट्रैक ठीक है रेस्ट ट्रैक और इनटेक गेट की जो वर्किंग है दोनों की यूनिवर्सल होती है अगर आपने जनरेटर मतलब इनटेक गेट को ओपन किया है तो आप उसके आगे रेस्ट ट्रैक लगाएंगे ये क्या रेस्ट ट्रैक क्या करता है कि कोई भी लकड़ी या कोई भी ऐसी चीज जो टर्बाइन को नुकसान दे सकती है काफी ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जो जनरेटर को टर्बाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं
ठीक है, इसलिए इंटेक स्ट्रक्चर में दो चीजें शामिल होती हैं, एक इंटेक गेट शामिल होता है, दूसरा रैश ट्रैक, रैश ट्रैक बोलते हैं या वो शामिल होती है, ठीक है जी। थर्ड सिस्टम है पेन स्टॉक, पेन स्टॉक सिस्टम में भी बेसिकली चैनल होता है, वो चैनल जो रिजर्वायर से लेके वाटर को अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम टरबाइन तक लेके आता है, ये चैनल होता है, ये टनल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। मंगला में पांच टनल्स हैं, ठीक है, पांच पेन स्टॉक हैं, लेकिन फोर्थ वन इज सर्च टैंक, सर्च एंड सर्च टैंक की एक स्टोरेज होती है जो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ यूनिट की आउटपुट के लिहाज से ये सर्च टैंक यूज होता है, लेकिन मंगला में सर्च टैंक नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्च टैंक भी वाटर स्टोरेज होती है, ये भी रिजर्वायर की तरह होती है, लेकिन ये रिजर्वायर से नीचे होती है, ये भी एक स्टोरेज होती है, लेकिन मंगला में ये सर्च टैंक नहीं है, ठीक है। पांच है ड्रॉप ट्यूब, यूनिट चलता है, पानी आया टर्बाइन को पकड़ाया, टर्बाइन को पकड़ा के ड्रॉप ट्यूब थ्रू एरिया जाता है, ड्रॉप ट्यूब बेसिकली पानी का एग्जिट, ओटेरे साइड से पानी मतलब ड्रॉप ट्यूब से होता हुआ पानी टेरेस वाली साइड पे जाता है। ये सिविल एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिविल और मैकेनिकल वाले इसको दोनों सेक्शन मिलके देखते हैं, बेसिक इसके अंदर जितना भी सिविल स्ट्रक्चर है, कंक्रीटिंग वगैरह सिविल ने की हुई है, लेकिन अंदर जितनी भी अब सिविल आसपास के अंदर, तो मतलब मैकेनिक और सिविल का ये कंपोनेंट है, ठीक है जी, समझ आ गई। गुजारा हो रहा है, वो थोड़ी सी 20 मिनट इंटरप्शन आ जाती है, लेकिन चलते जाइए। अच्छा जी, दूसरा सिस्टम है जी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम का कंपोनेंट है, ठीक है जी। गवर्नर कंट्रोल सिस्टम बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, आपने देखा होगा जब भी बाइक का इंजन चलता है तो ग्रीजिंग के लिए वो ऑयल की एक फिल्म बनती है, ठीक है। जिधर भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिधर भी कहीं भी मैकेनिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करवाना है, जिधर भी ऑयल की सप्लाई देनी है, जिधर भी वाटर की कूलिंग सिस्टम लेके जाना है, तो गवर्नर कंट्रोल सिस्टम वो उसके उसको ऑपरेट करवाता है। सोलेनाइड्स ऐसी चीजें हैं कि मतलब अगर आप गवर्नर कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे तो उसके अंदर आप गूगल पे सर्च करेंगे सोलेनाइड वर्किंग इन द गवर्नर कंट्रोल सिस्टम, तो सोलेनाइड के थ्रू हम गवर्नर को ऑपरेट करवाते हैं। जो आगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पार्ट है वो है जनरेटर, उसमें रोटर और स्टेटर दोनों शामिल होता है, और फोर्थ वन इज शॉफ्ट, शॉफ्ट को मैंने आपको पहले बताया, शॉफ्ट जनरेटर को, जनरेटर अपर स्ट्रीम में होता है, जनरेटर ऊपर साइड पे होता है, नीचे टर्बाइन होती है, इन दोनों को कपल करके रखता है, ठीक है जी। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। थर्ड ऐसी सिस्टम है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें ऑक्सिलरी कंट्रोल शामिल होता है। ऑक्सिलरी कंट्रोल क्या होता है कि जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं सिस्टम के अंदर, अगर वो टेम्परेचर सेंसर हैं, वो स्पीड सेंसर हैं, वो इसके अंदर ब्रेक्स के सेंसर हैं, जितने भी सेंसर हैं वो ऑक्सिलरी कंट्रोल के पास जाते हैं कि इस चीज़ ये चीज़ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वर्किंग कंडीशन में है तो उसके अंदर उसके कितने टेम्परेचर्स जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन इज जीसीबी, जीसीबी क्या करता है, आइसोलेट, एक किस्म का आइसोलेटर होता है जो पावर हाउस की साइड को और फ्रिज यार्ड की साइड को आइसोलेट करने में हेल्प आउट करता है। थर्ड सिस्टम इज मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग, मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग का काम ऑक्सिलरी कंट्रोल जैसा ही है, लेकिन ऑक्सिलरी कंट्रोल वो सेंसर्स देखता है जो यूनिट के पास, मतलब जो यूनिट की कंपोनेंट्स के, मतलब गवर्नर कंट्रोल के सेंसर्स देखता है, ये देखता है एक्साइटर्स के सिग्नल देखता है, लेकिन जो मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग है ये सिर्फ सिस्टम की एयर गैप्स और वाइब्रेशंस देखती है कि अगर वाइब्रेशन आ जाए सिस्टम में तो उसके अंदर ग्रीजिंग का फिनोमेना खत्म हो जाता है, रगड़ पैदा होती है, हीट पैदा होती है, इसीलिए मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग का काम ही ये है, मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग का काम ही ये है कि एयर गैप्स को देखना, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर वाइब्रेशन को देखना। जो फोर्थ है वो जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम है, जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम, ये बेसिकली इस आवाज नहीं आ रही, जी जी आ रही है बिल्कुल। हां चौथा सिस्टम है जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम, हां
ये जनरेटेड ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि अगर जनरेटर के अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर ओवर वोल्टेज है, ओवर करंट है, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, ओवर एक्साइटेशन, इस तरह मुख्तलिफ सिटीज के थ्रू मुख्तलिफ रिलेज सेंस करती हैं कि ये इसकी प्रोटेक्शन को चेक करती हैं, और ये प्योर इलेक्ट्रिकल का ये चौथा सिस्टम है। ये सिस्टम पहले नहीं हुआ करते थे, पहले जितने भी थे पहले सिर्फ एक गवर्नर हुआ करता था, एक एक्साइटर हुआ करता था, और टर्बाइन और साथ जनरेटर हुआ करता था। ये जितने भी ऑक्सिलरी कंट्रोल, GCB, मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग, GT प्रोटेक्शन सिस्टम, और अभी पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है ये न्यू सिस्टम के साथ आए हैं, क्योंकि हर 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है। हमने उस सिस्टम को अपने सिस्टम को उसी के मुताबिक बिल्डअप करना है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस हमारे लिए आसान होती है। जो आउटडेटेड चीज होती है वो हमें मार्केट से नहीं मिलती, ठीक है। जो पांचवा सिस्टम है जी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम से हम एक क्लिक से अपना सिस्टम को चला सकें या उसकी किसी चीज को मॉनिटर कर सकें, तो वो DCS होता है, जो हर सेंसर की ऑक्सिलरी कंट्रोल का हो, मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग का हो, गवर्नर का हो, टर्बाइन का हो, जनरेटर का हो, उसकी हर किसी का जो वो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम कहता है, अच्छा जी GCB इसने कमांड सेट की है, अच्छा GCB क्लोज हो गया जी, अच्छा GCB क्लोज हो गया तो इनटेक गेट उठा दो, इनटेक गेट ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं क्योंकि टाइमिंग सेट होती है। मतलब जितनी भी लॉजिक कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, कंट्रोलिंग मॉड्यूल होते हैं, PLC स्काडा होता है, जो एक सिस्टम के जितने भी प्री चेक्स हैं, प्री चेक्स को कंप्लीट करते हुए ऑटोमेटिकली सिस्टम चलाता है। अभी पहले जब हम सिस्टम चलाते थे, हम गवर्नर सिस्टम, मतलब ऑपरेटर कॉल को कॉल करते थे, यार गवर्नर के मेन इनलेट वाल्व खोल दो, इसकी एक्साइटेशन सिस्टम को ऑन कर दो, इसका इनटेक गेट ओपन कर दो, इस तरह अलग अलग ऑपरेटर को कॉल करके सिस्टम को ऑपरेट करवाया करते थे। लेकिन अब क्या, हम डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम है, क्लिक करते हैं, सिस्टम ने प्री चेक चेक किए, अच्छा भाई GCB क्लोज किया, इनटेक गेट उठाया, इनटेक गेट उठाने के बाद अच्छा जी अब मेन इनलेट वॉल्व है उसको ओपन किया, जिसको बटरफ्लाई वॉल्व भी कहते हैं, उसके बाद टर्बाइन को पानी चला गया, टर्बाइन की फिर स्पीड ऐसा ऐसा बढ़ाई, उसमें पानी की मिकदार बढ़ाई, फिर ऐसा ऐसा हर कंपोनेंट मतलब ऑपरेट करना शुरू हो गया। आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। हाँ, मैंने कोशिश की थी, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन बस कुछ सुनाई उस तरह हो गया कि मुझे इस तरह बताना पड़ा। अच्छा, आगे एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम है। एक्साइटेशन ये एक्साइट करता है रोटर के एक्साइटेशन सिस्टम में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो रोटेट कर रहा होता है टर्बाइन के थ्रू, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू स्टेटर में करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो रोटर को का अगर एक्साइटेशन सिस्टम हम कंट्रोल करेंगे, तो हमारे जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट जो जनरेटर है वो 13 पॉइंट, मैंने आपको पहले सारे बताए हैं, 13.2 kV के आउटपुट है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर गर्मियां आ गई हैं, लाइन के वोल्टेजेस कम हो गए हैं, अब हमने जनरेटर के वोल्टेजेस इंक्रीज करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके एक्साइटेशन सिस्टम में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स फीड करते हैं एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू, तो वो क्या होता है कि इसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। आगे जी 11 kV 400 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई सिस्टम होता है। ये ऐसा सिस्टम है कि अगर यूनिट है, यूनिट के अंदर पंप्स होते हैं, ऑयल के पंप्स, ऑयल कूलिंग पंप्स, वाटर कूलिंग पंप्स, मुख्तलिफ किस्म के पंप्स होते हैं, उनको ऑपरेट करना होता है, तो उनके लिए ये 11 kV स्विच गियर्स होते हैं, 400 वोल्ट स्विच गियर्स होते हैं, इनके अपने अपने होते हैं ब्रेकर्स होते हैं, इसके थ्रू हम जहाँ हमें 400 वोल्ट चाहिए होता है वहाँ 400 वोल्ट देते हैं, जहाँ हमें 11 kV सिस्टम चाहिए होता है वहाँ 11 kV सिस्टम दे देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी तक ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह। जनरेटर उसकी आउटपुट आगे हमने अपने ट्रांसमिशन में सारा वोल्टेज देने होते हैं, आवाज इंटरप्ट हो रही है, अभी इंटरप्ट हो रही है, इसी स्लाइड पे है ना जो पहले वाली थी? आप ना वो कोई अगर शेयर कर रहे हैं, कोई मतलब सेंड कर रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर दें, उसकी वजह से भी इंटरनेट जो है ना शायद उधर यूटिलाइज हो रही है उसकी, और इधर से इंटरप्शन होती है बीच में। अच्छा चलें जी, मैंने छोड़ दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल।
आगे जो जनरेटर के आउटपुट जो एग्जांपल उसको ट्रांसमिशन रेट पे देते हैं, ठीक है, हमने स्टेप अप करना होता है उसके लिए पास हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, 13.2 को 1.2 के में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ब्रीफ है, मतलब ये कंपोनेंट्स के अंदर एक नहीं हर कंपोनेंट्स का होता है ऑपरेशन की काम है, एक तो पुराने सिस्टम को ऑपरेट कर रही है उसको मेंटेन कर रहे हैं सिस्टम को रिफर्बिश कर रहे हैं 10 to 700% रहे हैं। तो हर चीज का अपना अपना होता है, चीजें काफी अच्छी हैं, लेकिन अपने फील्ड में मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर सिस्टम है उसके मैकेनिकल इंजीनियर उसको दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर देख रहा है, स्विच गियर्स को ठीक है, तो एक्सपर्ट्स जी वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक वाले, तो जनरेटर एक्सपर्ट अलग है, उसकी भी अपनी अपनी स्कोप के कर सकते हैं। बाकी नीचे जितने ब्रीफ किया हुआ था थोड़ा ऑफिशियल था, लेकिन मैं दोबारा भी मैं गया नहीं था, इंटरनेट में पता नहीं था इतना वो है क्योंकि तो उसे ईमेल भेजे हैं यहाँ से, तो आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी सेशन ये के भी कर सकता हूँ। तो अभी आगे ये आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो गई फिर दोबारा कौन कर रहे हैं कर दिया करें खुद ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर दिया करें। ये भी नहीं आई बस जी, अब आ गई रिजर्वायर स्ट्रक्चर है 1.1। ये जी आप देख रहे हैं, ये आपको ये 5 अगर राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देखें, ये कैनल के थ्रू ये रिजर्वायर है, यहां पर ये जब 6 में पिक्चर बना था उस वक्त की पिक्चर है, तो ये 5 चैनल्स हैं इस तरह की इसकी। अच्छा हैदर साहब, मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपने कोई ईमेल अभी अटैच तो नहीं कर रहे है कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए या कोई इस तरह की चीज? नहीं, कैंसिल कैंसिल की हुई है? हाँ बस ठीक है, चले ठीक हो गया, ठीक। तो तो ये बेसिकली इनटेक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का इनटेक होता है, ये 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 अंदर आता है और ये लेफ्ट साइड अच्छा हैदर साहब, मेरा मशवरा है अभी ये इस स्लाइड की आप जो जो भी अपने डिस्कस किया ना उसकी समझ नहीं आई, तो क्या अगर हम इसको कल तक एक्सटेंड इसी टाइम कल तक एक्सटेंड करें, लेकिन उसमें इंटरनेट की क्या शॉर्टी है कि दोबारा ठीक हो जाएगा या कोई और टाइम हम रख लें इसका? नहीं यार, आवाज़ आपकी अभी भी कट रही है। चलें मैं आपसे डिस्कस कर लेता जी, क्योंकि अभी ना आपकी आवाज़ बिल्कुल ही वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम इस सेशन को दोबारा रीअरेंज कर ले, कल का टेंटेटिव कल का रखते हैं, अगर इसी टाइम अगर आप मुनासिब समझते हैं थोड़ा सा। सैटरडे को सैटरडे को जी जी सैटरडे को किस टाइम आप करना चाह रहे हैं? फर्स्ट टाइम कितने बजे? 8-9 बजे। 8-9 बजे तो ये उठते ही नहीं है, ये तो उठते वैसे तो मेरे ख्याल मुश्किल ही है, ये ज्वाइन कम होगी अटेंडेंस, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा अगर टाइम हम
11 12 बजे या इस तरह कर लेना 10 11 बजे। हां ठीक है, आप फ्राइडे आप ना सैटरडे कर लें। सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा, मेरे इंटरनेट ठीक हो और मैं उससे पहले आपको ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है तो ज़ुकान क्या ख्याल है ज़ुकान, अपने 11 बजे करें, 11 बजे या 10 बजे? सर 11 बजे तक कर लेते हैं। 11 बजे तो फिर आपने खुद ही इसका जो पोस्टर है उसको सारा चेंज करके सारा फिर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पोस्टर ठीक है वो मीटिंग लिंक भी, मीटिंग लिंक तो यही रखेंगे या कोई चेंज करेंगे अभी? सर वो नहीं, मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, वो शेयर कर दीजिएगा फिर कल 11 बजे का, आपने याद रखना है खुद ही इसको करना है सारा। ठीक है, दिन को चलें ठीक, कल तो सैटरडे, परसों परसों जी जी परसों परसों सैटरडे को 11 बजे ठीक हो गया सर, मैं कर दूं। ओके सर, थैंक यू यार। ठीक है तो सर इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, इंटरनेट के इश्यूज आते रहते हैं तो इंशाल्लाह। बस सर मुझे अंदाजा नहीं था ये, असल में जब मैं स्टेशन पे हूं मेरा ये पहला फोन बना रहा है तो क्योंकि सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, हम तो मेल वगैरह करते हैं, काफी चीजें हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग वाली हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि थ्योरी में नहीं कवर हुई, तो इसलिए इसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से देखना लाजमी है। तो मैं चाहता हूं कि इसको 11 बजे इंशाल्लाह सारा इसको स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन मैंने काफी टाइम लगाया। जी जी मैं समझ रहा हूं प्रेजेंटेशन लर्निंग वो, लेकिन यार सॉरी यार, इंशाल्लाह सैटरडे को आओगे सारे फिर? उम्मीद तो है इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे सारे इंशाल्लाह।